बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या इली हक हैदर आल फ्रेंड आल व्यूवर्स आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो शुरू, जैसे कि आपको पता है कि हम आए हुए हैं स्कर्दू और अभी हम जा रहे हैं स्कर्दू से हपलू जी। हपलू एक विजिटिंग पॉइंट है, बहुत प्यारा, वहाँ पे जा रहे हैं। आपके सामने मेरी वीडियो शो हो रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो जी, चलते हैं जी हपलू। गिलगित से जैसे कि आपको पहले बताया जा रहे हैं, दो तीन पॉइंट है वहाँ पे और यहाँ से गाड़ी का जो फ्यूल है वो डलवा रहे हैं। जितना फ्यूल डलता है वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। स्कर्दू से हम निकले हैं जी अभी और जा रहे हैं हपलू। हपलू एक पॉइंट है, वहां पे जा रहे हैं जी और यहाँ पे करवा रहे हैं जी एंट्री इस जगह पे। स्कर्दू से आगे और हपलू से पीछे आप देख सकते हैं कि गंदम अब भी सब्ज है जी। और ये जो गंदम है ये सब्ज गंदम को काट के धूप में रख देते हैं, जब सूख जाती है उसके बाद फिर मशीन वगैरह लगा के तो इसमें से दाने वगैरह निकाल लेते हैं जी। तो देख सकते हैं जी हमारी साइड पे तो कब की गंदम कट भी गई और दाने भी गार आ गए जी। तो इधर देख ले अभी गंदम सब्ज है जी। Oh,
फिश फार्म जाने के लिए ये जो आप रोड देख रहे हैं ये मेन रोड है, इसी पे आपने जाना है। आगे जाके ये जो रोड है ये दो हो जाएंगे, ये आप देख रहे हैं एक रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड जा रहा है और हमने जाना है लेफ्ट हैंड। हम यहाँ से हो गए हैं लेफ्ट हैंड, एक रोड जो है कि वो राइट हैंड ऊपर जा रहा था, हम ऊपर नहीं गए, हम आ गए हैं लेफ्ट हैंड। थोड़ा सा जब आपने आगे जाना तकरीबन एक दो किलोमीटर की मुसाफत पे तो आपको एक ब्रिज नज़र आएगा, तो वो जो ब्रिज है वो ब्रिज आपने क्रॉस करना है वादी के ऊपर से। तो जब आप वादी के ऊपर से ब्रिज क्रॉस करेंगे तो ब्रिज क्रॉस करके आप सीधे चले जाएंगे हपलू ट्राउट फिश फार्म, और वादी में तकरीबन मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से हो गए हैं लेफ्ट, ये हपलू मेन उन्होंने लगाया हुआ है, ये सांड का जो बुत्ता, ये देख सकते हैं कि ये हम हो गए यहाँ से भी लेफ्ट। उधर से भी आपने देखा कि एक रोड ऊपर जा रहा था और एक लेफ्ट हैंड आ रहा था, तो हम लेफ्ट हैंड हुए हैं या वादी से ऊपर से क्रॉस किया। क्रॉस करके ये रोड है जो ये सीधा जाएगा ट्राउट फिश फार्म, हपलू ट्राउट फिश फार्म, बहुत ही प्यारा फिश फार्म बना हुआ है। जब भी आप स्कर्दू जाएं तो ट्राउट फिश फार्म लाजमी जाएं। ये ट्राउट फिश फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए हैं और ये इसका थंबनेल नजर आता है। हपलू हम पहुंच आए हैं जी फिश फार्म पे जी, अभी आपको थोड़ी देर तक यहाँ पे जो फिशेज है वो दिखाई जाती है जी। हपलू फिश फार्मिंग जी, ट्राउट का फिश फार्म और बहुत ही प्यारी प्यारी फिश है जी यहाँ पे जी। हपलू फिश फार्म, ये फिश आप देख सकते हैं, ये है जी हपलू फिश फार्म। ये हपलू फोर्ट जाने से पहले रास्ते में दो रास्ते आएंगे, आपने हो जाना जी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड होते ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो आगे एक आपको ब्रिज बना हुआ नज़र आएगा, आपने ब्रिज से हो जाना जी लेफ्ट हैंड। और ये एक वादी में बना हुआ है जी, ये हपलू ट्राउट का फिश फार्म जी, जो बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही हमारत के साथ जो तैयार किया गया है ओनली फॉर यू टूरिस्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि इस फिश फार्म में ट्राउट फिश आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आप आके तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, आप फिश फार्म खुद पकड़ भी सकते हैं और पकड़ के उनको दे भी सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल फिश, फ्राई फिश और जिस तरह की भी आप खानी चाहते हैं आपको बना के देंगे। तो यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये फिश फार्म बना हुआ है जी, और ओनली फॉर यू जो विजिटर हैं उनके लिए बना हुआ है जी। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे भी लगे हुए हैं, वो आप देख रहे हैं, छोटी सी बोट भी है, आप मछली पकड़ भी सकते हैं और यहाँ से पकवा भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी ये वीडियो भी। ये भी आपको व्यूज़ दिए जा रहे हैं, ये सारे व्यूज़ हपलू फिश फार्म के हैं जी, ये वाले। इतना बड़ा फिश फार्म नहीं है, बस छोटा सा ही है जी फिश फार्म जी। और इंशाल्लाह ताला जितने भी हपलू फिश फार्म के व्यूज़ हैं वो आपको दे दिए जाते हैं जी। ये देखें ये सारे व्यूज़ हपलू फिश फार्म के हैं जी। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है जी, बूंदा बांदी आप देख रहे हैं पानी में जी, बारिश हो रही है और धूप भी निकली हुई है जी। ट्राउट फिश फार्म पे पीछे म्यूजिक चल रहा था, कॉपीराइट का इशू आया, मैंने वीडियो अपलोड की थी मगर डिलीट करके फिर अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आवाज म्यूट है। उम्मीद करता हूँ कि हपलू फिश फार्म के जो व्यूज हैं आपको पसंद आए होंगे जी, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी और बेल का जो बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जी।
अगर आप स्कर्दू जाएं तो हपलू ट्राउट फिश फार्म लाजमी जाएं। वीडियो में पूरे व्यूज़ पूरा रास्ता आपको बता दिया गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये हपलू ट्राउट फिश फार्म इन्होंने बनाया, सिर्फ और सिर्फ विजिटरों के लिए बैठने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे जगह बनाई गई हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे टिकटॉक भी बना रहे हैं जी, और ये नहीं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये जगह ही देखने वाली है। काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे ट्राउट फिश हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है सामने, पहले आपको मैंने वही दिखाया, और आप यहाँ पर खाना शाना भी खा सकते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हपलू ट्राउट फिश फार्म में बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट हैं पिक्स के लिए और आपके बैठने के लिए और खाना खाने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। और यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा एंड नीट क्लीन है जी। शुक्रिया। वीडियोस काफ़ी लंबी होती जा रही है जी, तो हपलू का जो विज़िट है इस व्यू के साथ इस वीडियो को करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हपलू पे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फैसल भाई जनाब इस टाइम मेरे साथ ही विजिट कर रहे हैं, दूसरे लड़के सारे अपनी अपनी पिक्चर। माशाल्लाह यहाँ का बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है जी माहौल, और ये देखें जी पिक्चर बनाने वाले बच्चे हमारे जी।